तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हाईवे है, पानीपत से जब निकलेंगे आप रोहतक के लिए तो सोनीपत का ये रास्ता पड़ता है, ये शुगर मिल है यहीं पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको किसान जो बैठे हुए हैं उनके मनोरंजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, क्योंकि किसान पिछले दो दिनों से बैठे हैं, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो यहाँ पर नृत्य की व्यवस्था की गई है, जो ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सोशल मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर किसानों के द्वारा की जाती है। कुछ ऐसे किसान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि और क्या ये मांगों को लेकर क्या लग रहा है कि पंजाब में तो रेट तो ठीक ठाक है, तो वो रेट मिल जाए चलेगा, 380 मिल जाए चलेगा, क्योंकि आप तो 450 की बात कर रहे हैं ना। पंजाब के बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करो पंजाब के आगे करो, पंजाब से पीछे नहीं रहना, पर गंडा बराबर होना चाहिए रेट। और पंजाब में तो बिजली सस्ती है, हाँ तो यहाँ भी होनी चाहिए, इधर तो नहीं है ना, यहाँ बहुत ज्यादा है हमारा। क्या कह रहे हैं? 450 का पाव होना चाहिए यहाँ, तो मान रहे हैं? ना ना, 450 का, यहाँ खर्चा ज्यादा है पंजाब से। यहाँ क्या खर्चा ज्यादा है? खर्चा पानी का खर्चा ज्यादा है यहाँ, हाँ वहाँ तो बिजली फ्री कर रखी है, यहाँ खर्चा ज्यादा, 450 का भाव होना चाहिए। नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो यहाँ इधर धरना नहीं उठेगा, ऐसे ही रहेंगे किसान है। हाँ क्या लग रहा है, खट्टर सरकार आपकी बातों को सुनेगी? ना सुनेगी तो यहीं बैठेगी, यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं सुनेगी तो। अभी किसान है जो सामने के हिस्से में बैठे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग किसान हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग दादा हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं दो दिनों से। काका ये बताइए, खट्टर सरकार लग रहा है आपकी बातों को सुनेगी, और नहीं सुने तो क्या करेंगे? आप बुजुर्ग हैं, ठंड में ऐसे बैठे रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे, हम घी दूध खाते पीते हैं, खिलाते भी हैं लोगों को, लोगों को खिलाते भी हैं। अगर खट्टर नहीं मानेगा तो हम संघर्ष जारी रखेंगे, लंबा जारी रखेंगे। ठक्कर खट्टर ने तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे लंबे संघर्ष की बात करें, कैसे लंबी लड़ाई की बात करें, जो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे थे वैसी? वो दिल्ली के बॉर्डर तो मैं एक साल तक बैठे रहे, वहाँ भी थके हम, यहाँ यहाँ तो अपने घर बैठे हैं, यहाँ थकेंगे हम, संघर्ष करेंगे। जितना घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? अगर लड़ाई के लिए, लड़ाई के लिए अगर जरूरत पड़ी तो निकलेंगे। हाँ जो पिछले दिल्ली हुई दिल्ली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर और भी किसान हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। काका है, हाँ बताइए। ये बताइए, किसान मिलों को जो मालिक हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, वो आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं? नुकसान तो मारा हो रहा है उनका, क्यों रहा है नुकसान तो मारा ज्यादा है सारा। एक महीने वो सबके खार बद गया, दुआई बद गई, गंडे के भाव 8 साल में 50% बदे, और इनकी दुआइयाँ डबल टबल हो गई। 2022 में दोगुनी करनी कहीं थे, आज तक वह दोगुनी नहीं हुई इन भाई। बीजेपी सरकार ने भट्ठा बैठा दिया देश का। एक तो सरकार तो कहती है ना कि हम तो आय दुगनी कर रहे हैं किसानों की, किसानों के हित के लिए सब कुछ कर रहे हैं। किस सवा दोगुनी, दोगुनी बता दो उड़ा है दोगुनी, एक % बता दो उड़ा दोगुनी है। इतने दोगुनी नहीं हो लेगी, इतने कोई ना चलाने मिला में आग ला जाए मिला में, मतलब गंडा नहीं घेरा ये, इतने बाजी बदलेगा, इतने खट्टर की मूछ नहीं हल, इतने गंडा कौन घेरा। एक बार हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो चीनी मिल यहाँ पर गुलजार हुआ करती थी, ट्रैक्टर की ट्रैक्टर, ट्रॉलियों की ट्रॉलियाँ लेकर यहाँ पर गन्ने जाते थे, 25,000 क्विंटल यहाँ पर हर दिन जाता था गन्ना, और लाखों रुपए का नुकसान हर दिन हो रहा है किसानों को। और ऐसे में किसानों का जो कहना है कि हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाले हैं, यही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग पोस्टर्स भी यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के लगाए गए हैं कि गन्ने की रेट बढ़ाने को लेकर किसान महापंचायत बुलाई गई है। और ये महापंचायत अब जो नेक्स्ट होनी है वो आपको बता दें कि कल होनी है, और ऐसे में फैसला लिया जाना है कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। एक बार हम लेके चलते हैं आपको उस जगह पर जहां पर जो किसान महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं, किसानों के लिए खाना बना रही हैं, क्योंकि किसान यहां पर पिछले दो दिनों से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर।
और इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। इसमें महिलाएं जो हैं मजदूर भी हैं जो इन्हीं किसानों के खेतों में काम भी करती हैं। ये बताइए कैसे सरकार मानेगी, मानेगी? लग रहा है आप लोग यहाँ बैठे हैं, पता नहीं अभी तो सरकार वही बताएंगे मानने की ना मानेंगे। हम तो बैठे हैं जैसे यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, हम तो काम करते रहेंगे। इतना हमने तो खाना बनाना है, खाना बनाने वाले आ रहे हैं, इतना काम चालू रहेगा इतना हम भी बैठे रहेंगे। चाहे 10 दिन लगो, चाहे महीना लगो, 15 दिन लगो, चाहे 4 दिन लगो, ठीक है जी, हमारा काम है खाना बनाना, हम भी सेवा पे है, चाहे कैसे ही मान लो आप। एक तरह से आप भी आंदोलन का हिस्सा है, आंदोलन समझ लेना। और क्या, मजदूरी करने वाले आ रहे हैं जी, काम करना हमने तो। जब जब किसान जब अपने गन्ने को नहीं कटवाएंगे तो मजदूरों को ही नुकसान होता है, उनको हर दिन तो घर चलाना है। फिर हम भी तो हमने भी कहीं हम भी मजदूरी कर रहे हैं जी, एक किस्म की हम भी तो अपना काम से मतलब रख रहे हैं। ये तो यही जानेंगे जो बैठे हैं आंदोलन पर, वो तो यही बताएंगे। हम तो अपना मजदूरी करने आ रहे हैं जी, काम करते हैं। किसान तो पूरे देश को पूरी दुनिया को खाना खिलाता है, और आज किसान खुद सड़क पे, कितना दुख होता है ये देख कर कि किसान की बातों को नहीं सुनती सरकारें। सुनना चाहिए सरकार को, सारी ये गरीब आदमी है, सब सबकी सुननी चाहिए। गरीब भी इसमें आ जाते, सब आ जाते सर, लेकिन जब तक इनका धरना है तो हम भी इनके साथ हैं, हमको इनसे अलग थोड़ी है। जब ये जब खेती बाड़ी करने वाले इनको इनका ये वो नहीं मिलेगा, मुंह मांगी कीमत जैसे मांग रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। तो ये धरने में बैठे हम भी इनके साथ बैठे हैं, अपना लग रहे हैं काम पे, क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार खाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। तो एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।